हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में वापस से। तो आज बेसिकली ये वीडियो होने जा रही है एक गन लाइटर की अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू की। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि क्या कुछ है ये गन लाइटर, कैसे वर्क करता है, क्या कुछ है इसके बॉक्स के कंटेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तरवर गहलावत को सब्सक्राइब करें। सो गाइज देखिए, ये है आज का हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है Z83 फाइन लेदर मशीन की कॉपी, जो कोई एक रियल गन होती है उसकी रेप्लिका टाइप कुछ है ये। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो डब्बा खोलते ही हमारे सामने आ जाते हैं चार कंटेंट जो है। एक तो ये मेन कंटेंट विद एक ये कुछ कैरी करने का एक केस वगैरह कुछ है इसका। इसको करते हैं इससे अलग, तो रखते हैं पहले एक बार सबको निकाल के साइड में। तो ये है दो इसके स्टैंड के कंटेंट, तो ये निकालते हैं बाहर, डब्बे को पैक करके रख देते हैं साइड में और ये रखा साइड में। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो है गन लाइटर। ये लाइटर गन है, ये है इसका स्टैंड। तो सबसे पहले स्टैंड को देख लेते हैं, ये प्लास्टिक क्वालिटी में है, बहुत इजी असेंबली है, बस इसको इसके अंदर डालना है और इसको गन को इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। तो आप इसको एज अ शो पीस किसी भी टेबल वगैरह पे, अलमारी वगैरह में रख सकते हैं, जो मतलब हो ऐसी रखने की जगह। ये है कुछ इसका केस, इसको नॉर्मली आपको जो पैंट में बेल्ट होती है इससे आर पार कर देना है इसमें डाल के, तो ये आपकी बेल्ट पे पैंट के ऊपर हैंग हो जाएगी और आप आराम से इसको गन को इसमें कैरी कर पाएंगे। और इसको ऊपर से क्लिप लगा दीजिए तो गन आपकी अच्छी तरह कैरी हो जाएगी। और अब इसको भी रखते हैं साइड में। ये है अब कुछ हमारा मेन प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे यहाँ से मेटल है, यहाँ से भी मेटल है और ये सारा कुछ मेटल है। बस जो ये ग्रिप है ये प्लास्टिक की है ग्रिप, और ये नीचे का ही बस ये प्लास्टिक का पीस है, बाकी सब मेटल है। और ये है कुछ इसका लॉक, अगर हम इसको ऐसे नीचे कर देते हैं तो लॉक हो जाता है, अगर हम चलाएंगे इसको ऐसे नीचे करके तो ये नहीं चलेगी और हैमर से भी नहीं होगा स्ट्राइक। और अगर हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे तब इसका लॉक खुल जाएगा और हैमर से भी स्ट्राइक होगा और ट्रिगर से भी स्ट्राइक होगा। ये यहाँ आपको पीछे इसका हैमर देखने को मिल जाएगा, आप इसको ट्रिगर से भी लाइट कर सकते हैं, हैमर से भी लाइट कर सकते हैं। अभी तो इसमें फ्लेम मतलब गैस नहीं है, तो इसीलिए हम आपको इसको चला कर नहीं दिखा सकते, वरना हम आपको इसको चला कर दिखाते, क्योंकि जब भी आती हैं तो इनमें गैस रखने में ख़तरा होता है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट में होके आती हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं। इधर देख सकते हैं जो ये नोज़ल है, यहाँ से आप गैस रिफिल कर सकते हैं इसमें, और राइट लेफ़्ट करके आप इसमें मतलब इसकी जो फ्लेम की स्पीड होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इधर ब्रांडिंग वगैरह दे रखी है, वोल्डर वगैरह बहुत कुछ लिख रखा है इसमें, कैलिबर 7.62 mm वगैरह बहुत कुछ मतलब छाप रखा है इसमें, छाप नहीं रखा एक्चुअली, वो खुदा हुआ है उसके अंदर। तो ओवरऑल वैसे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इससे अपने शौक वगैरह भी पूरे कर सकते हैं। मतलब एक मतलब यंगस्टर्स को शौक होता है अपने पास एक गन रखना, मतलब उनकी जेब में मतलब ऐसे पैंट के ऊपर एक गन टंगी हुई हो, उसका अलग से ही टोरा अलग होता है। तो आप कर सकते हैं मतलब शो ऑफ कर सकते हैं इससे, किसी को डरा भी सकते हैं इससे, आसानी से कोई डर जाएगा, क्योंकि जो इसकी लुक है ओवरऑल बिल्कुल असली गन जैसी आती है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको परचेज करने की बात करते हैं। मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया है 650 रुपये का, इससे एक छोटा मॉडल भी था, मतलब एक टाइप इसे थोड़ी छोटी और हल्की थी, वो मेरे को 550 की प्राइस में मिल रही थी, 100 रुपये का फ़र्क था, तो मैंने इसको ले लिया। तो अगर आपको ऑफलाइन परचेज़ करनी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी गिफ्ट शॉप पे अवेलेबल हो सकती है। मैंने एक गिफ्ट शॉप से परचेज़ की है ये 650 रुपीज़ की, और अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो 800 से शुरू होता है इसका गन का प्राइस, और ऑफलाइन में आपको एंड ही 800 पे मिलता है। तो आप एक बार ट्राई करके लें, ऐसे ना लीजिए इसको। तो ओवरऑल आज की वीडियो ये ख़त्म हो चुकी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया, बाय।